दिनेश पटेल सर जैसे आपको पता है शालू जी के फादर हैं। आज हम सर के बारे में और इनडेप्थ जानने की कोशिश करेंगे। वेलकम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी हियर। जस्ट लाइक रोबोट शालू, आई एम ऑल्सो थैंकफुल टू यू ऑल। थैंक यू। बेसिकली मैं बहुत छोटे से गांव से रहने वाला हूँ। मेरा गांव यूपी में रजबलपुर गांव है, जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और डेफिनेटली बहुत छोटा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बिजली अभी चंद सालों पहले ही आई है, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना छोटा रहा होगा। मेरी पढ़ाई जो प्रारंभिक शिक्षा थी, पढ़ाई वो भी गांव से हुई। छोटे से गांव में छोटा सा स्कूल था जहाँ से मैंने पढ़ाई की। बाद में वो आगे की पढ़ाई करने के लिए मैं इलाहाबाद चला आया था, क्योंकि इलाहाबाद में मेरे पापा जॉब करते थे और ITI नैनी में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, वहाँ पे वो जॉब करते थे, तो वहाँ पे पढ़ने के लिए मैं आ गया। फर्दर सारी पढ़ाई मोस्टली फिर इलाहाबाद में हुई। बाद में फिर उनका ट्रांसफ़र ITI मनकापुर में हो गया, तो आगे की पढ़ाई छोटे से गांव मनकापुर में हुई। तो बेसिकली मैं कह सकता हूँ फ्रॉम बिगिनिंग टू 12th क्लास मैंने छोटे से एरिया में पढ़ाई की है, और उसके बाद ग्रेजुएशन करने के लिए मैं इलाहाबाद चला आया था। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फाइनल हमारा ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुआ, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद फिर बस KVS में आके मैंने ज्वाइन कर लिया, तो आज मैं KV का कम्प्लीट कर लिया। देखिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ने में नहीं रहा हूँ, और 12th में इतने आए थे कि मेरी नाक बच गई, बस इतना ही अच्छा था। मेरे मम्मी पापा की नाक बच गई, इतना ही अच्छा था। मार्क्स बताने की कंडीशन में मैं नहीं हूँ, क्योंकि आप लोगों के सामने बहुत ज्यादा छोटा रहूंगा। सर, आपने एजुकेशन पापा मेरे डॉक्टर बनना चाहते थे, वो नहीं बन पाए। उन्होंने फिर मुझे बोला कि बेटा बना बनेगा डॉक्टर। बचपन से चल रहा था कि बेटा डॉक्टर बनेगा, मैंने भी डॉक्टर बनने की ठान ली थी। छोटा था तब से ठान लिया था, आई थिंक 1-2 में रहूंगा तब से ठाना था। 12th तक ठान के रखा था, सिर्फ ठान के रखा था, पढ़ाई नहीं की, सिर्फ ठान के रखा था कि डॉक्टर बनना है। डॉक्टर बनने के लिए करना क्या है वो मुझे पता नहीं, क्योंकि मेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं था। तो मेरे पापा पहली पीढ़ी थी मेरे परिवार में जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई की, और मैं कह सकता हूँ दूसरी पीढ़ी हूँ जो कि थोड़ी पढ़ाई की। तो डॉक्टर तो जानते नहीं थे डॉक्टर क्या होता है, चलो डॉक्टर बनने की ख्वाब बुनने लगा। फिर मैंने CPMT और PMT के एग्जाम भी दिए, तो ऑब्वियसली हकीकत सामने है। डॉक्टर पहली याद है मुझे। देने तक थी, उसके बाद सर आपने क्या एजुकेशन टर्न कैसे आया? हाँ, तो ग्रेजुएशन तो डेफिनेटली मैंने वही डॉक्टर बनने के चक्कर में मैंने ग्रेजुएशन